तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तीसरी बार अपनी राजस्थान सरकार का बजट विधानसभा के सामने पेश किया। हालांकि कोरोना वायरस की महामारी के बाद राजस्थान में जादूगर कहे जाने वाले गहलोत के बजट पिटारा इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काफी मायूसी वाला रहा है। बुनियादी बिंदुओं को छोड़ इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बजट में न कोई नई घोषणा की गई, न ही पहले से जारी किसी योजना को मजबूती देने पर ध्यान दिया गया, जबकि बजट मदरसा शब्द न दरसा था। यही नहीं, न तालीम को बढ़ावा देने की बात और न अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई नया प्लान तैयार किया गया है। बहरहाल MSDP योजना के तहत पहले जारी कार्य बजट में रखे गए हैं, जिनमें 8 हॉस्टल, 3 रेसिडेंशियल स्कूल, मॉनिटरीज गर्ल्स रेसिडेंट, माइनॉरिटी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल और इतने ही बालक छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके अलावा 17 स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे। बजट से पहले उर्दू से लेकर मदरसा और तालीम से लेकर रोजगार तक कई मांगे अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से सरकार को पहुंचाई गई थी। इस मामले में अल्पसंख्यक समुदाय के और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री से लेकर समाज के सभी विधायकों से भी मांगे पहुंचाई, लेकिन इस बजट में भी मदरसा पैरा टीचर्स की मांगों पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही यह बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अध्ययन की सुविधा हेतु 8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण ब्लॉक शमनगढ़, अलवर ब्लॉक रायसिंह नगर व अनूपगढ़, श्री गंगानगर ब्लॉक समुदा अजमेर, फतेहपुर सीकर, चुरू, झुंझुन एवं टोक में करवाया जाएगा, जबकि भनियाना ब्लॉक, साकड़ा, जैसलमेर ब्लॉक, रामगढ़, अलवर एवं उदयपुर में 3 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएंगी, जिस पर 62 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वहीं सीकर, चौहटन, बारमेर व पहाड़ी भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोले जाएंगे। राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु बाड़मेर में 3 तथा अलवर व भरतपुर जिले में 1-1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही अलवर में 10, अजमेर में 5 तथा जैसलमेर में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इस पूरी स्पीच में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई नई योजना की बात नहीं कही गई। वह वल्फत जायदादों की सुरक्षा और न कब्रिस्तान के विकास पर बात हुई। जज हाउस को भी इस बार बजट से दूर रखा गया। राजस्थान मुस्लिम फोरम, जमात ई इस्लामी हिंद, राजस्थान मुस्लिम प्रोग्रेसिव फंड, मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ समेत कई संगठनों ने सरकार को 8 से 14 सूत्रीय मांगे भेजी थी, लेकिन बजट में मंच अनुसार कुछ नजर नहीं आया है।